पहली बात कि एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका नापदंड होता है? एनर्जी का नापदंड होता है। किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, उस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी सर्फेस के साथ कनेक्ट होने को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया पे और एंगल पे डिपेंड करता है। ये एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। जब मैं एरिया वेक्टर बोलता हूँ, मतलब किसी भी प्लेन के नॉर्मल को हम लोग देते हैं एरिया वेक्टर। जैसे छाता का सरफेस होता है, उसका हैंडल होता है, उसी तरह से वैसे किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर का जो हम लोग देते हैं वो हम लोग बोलते हैं उसको एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है, जिसको हम लोग ई डॉट ए भी लिखते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी आगे कि जो एक थ्योरम था जिसको हम लोग कहते थे गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम हमने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, दैट इज गिवन बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू क्या होता है, स्ट्रिक्टली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। ठीक है, जो भी चार्ज क्लोज बॉडी के बाहर होता है वो फ्लक्स वहां पे क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि उसकी वजह से सरफेस पे एक जगह पॉजिटिव फ्लक्स होता है, एक जगह नेगेटिव फ्लक्स होता है और वो कैंसिल कर जाता है। तो क्लोज बॉडी के साथ बाहर क्या कहते हैं, बाहरी सरफेस के साथ क्या कहते हैं, जो फ्लक्स लिंक होता है बाहरी चार्ज के साथ, जो फ्लक्स लिंक होता है वो जीरो होता है क्लोज बॉडी के साथ। ठीक है, अगर बॉडी क्लोज नहीं है, बॉडी अगर ऐसे ओपन है तो इसके साथ फ्लक्स होगा। ठीक है, अच्छा मैंने जो बोला कि चार्ज एनक्लोज कितना होता है क्लोज बॉडी के साथ। उसके बाद आगे से हम लोगों ने ये देखा था कि ये हो गया क्यू क्यू आई एन बैफ डॉट। फिर हम लोगों ने देखा था गॉसियन सरफेस। ठीक है, मैंने बताया था गॉसियन सरफेस क्या होता है, कि इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि यूज किया जाता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, गॉसियन सरफेस के बारे में कुछ खास खास कुछ पॉइंट होते हैं। पहली बात तो इमेजिनरी होता है, दूसरी बात क्या मैंने बताया था गॉसियन सर्फेस के साथ कि ये एक ऐसा सर्फेस लेते हैं जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। क्या हम कहते हैं कि एक वर्ड में ये सिमेट्रिक होता है। फिर मैंने बताया था कि जो गॉसियन सर्फेस होता है उसके उसके सर्फेस पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो या तो 0 डिग्री एंगल बनाता है, नहीं तो 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, हम ऐसे सर्फेस लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी गॉसियन सर्फेस को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे कूलम्ब लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे पॉइंट चार्ज के लिए, वैसे गॉस लॉ से भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ये होता है सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसके लिए ना मैं तुम लोग मैंने एक कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो तुम लोग को याद रखना है। क्या क्या स्टेप्स है देखो, पहला फर्स्ट के फर्स्ट का ए ड्रॉ गॉसियन सरफेस एंड डिस्क्राइब इट। ठीक है, यही चार स्टेप को ना मैं आगे के एप्लीकेशन पर डिस्कस करूंगा। बी स्टेप होगा इसके लिए स्पेसिफाई एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में हम लोग को एंगल बताना होगा। सेकेंड स्टेप कैलकुलेट या कैलकुलेट ई डी एस
ये क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन था ना, कैलकुलेट चार्ज एनक्लोज, और चौथा क्या होता है यूज गॉस थ्योरम। ठीक है, ये चार स्टेप था। ठीक है, अभी के आगे की क्लास, ठीक है, जो मैं डिस्कस करूंगा वो इसी स्टेप के ऊपर की एप्लीकेशन है। ठीक है, तुमको सिर्फ ये चार स्टेप आना चाहिए और तुम्हारे पास मैं लगभग चार या पांच डेरिवेशन करूंगा जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, पूरा इस पे ही होगा। ठीक है, एट प्योरली बोर्ड एग्जाम में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख करके आना। ठीक है, ये चारों स्टेप लिख दो कॉपी में और फिर हम लोग आगे एक एक करके डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे। तुमको लगेगा कि एक ही चीज रिपीट हो रही है, लेकिन जो भी है वो आपको पढ़ना रिपीटेड होगा। फटाफट नोट पर जाओ। ये किसके स्टेप्स हैं, टू कैलकुलेट, मैं आप लिख देता हूं टू कैलकुलेट मतलब इलेक्ट्रिक। नहीं कुछ नहीं भाई, और ये तुम लोग अच्छा समझ हो भी गया था यहां तक, ये इनका नहीं हुआ था फ्राइडे वालों का, तुम लोग कहो क्या रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या देखो हमको पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या क्या देखो इसमें है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। ठीक है, उसके बाद एक तुम्हें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट डेंस शीट ऑफ चार्ज। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। और यूनिफॉर्मली चार्ज चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसका मतलब और इसका मतलब सेम होगा, फिजिक्स में दोनों का मतलब सेम होता है, कैसे होता है हम लोग आगे में देख लेंगे। कंडक्टिंग स्फीयर चौथा, इसका हमको स्टेप पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो नॉन कंडक्टिंग यहाँ पे लिखा, ठीक है, नॉन
ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम होता है। आगे हम देख बता दूंगा कैसे सेम होता है। चौथा पॉइंट होगा टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड हॉलो के बल्ले यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज करना। तो पांचवा पॉइंट छोड़ दो, सारी पहले पढ़ लेते हैं, चार मिनट ठीक है, ठीक है। अभी का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो गॉस लॉ के एप्लीकेशन है, जो स्टेप मैंने लिखे थे पीछे, अभी चार स्टेप ये वाले, ठीक है, इसी को बार बार रिपीट करूंगा मैं सारे के सारे एप्लीकेशन में, क्लियर। और जो मैं चार लिखा हूँ उसमें से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कोई एक आने की चांस 85 से 90% आता ही आता है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में अगर आता है ना तो 3 मार्क में से कोई उसमें से कोई 4 में से एक आता है, और तुम्हारे एक तुमको समझ में आ जाएगा तुमको सारे समझ में आ जाए, ठीक है। तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एक हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, और लॉन्ग वायर मतलब बहुत लंबी है, ठीक है, और ये ना पॉजिटिव चार्ज है। देखो जब मैं तुमको जो बच्चे एंट्रेंस क्लास अटेंड किए थे ना उनको मैंने बोला भी था कि कोई चीज अगर बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन हमारे फिजिक्स में कैसे होता है। मान लो कोई वायर बहुत लंबी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वायर का लेंथ अगर 1 मीटर है तो जो पॉइंट जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना वो यहाँ से बहुत छोटा है, 1 mm के आसपास, और ये वायर की लेंथ 1 मीटर, तो हम क्या करते हैं इसको इनफाइनाइट लॉन्ग ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, जो कि काफी लंबी है, काफी लंबी मतलब जो पॉइंट हम लेंगे वो काफी इसके नजदीक होगा, ठीक है, और मुझे क्या बोला गया है कि इसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट डिस्टेंस आर। तो इसके अब देखो लंबी वायर है तो लंबी वायर के लिए हम लोग टोटल चार्ज भी बोल सकते 2 कूलम 4 कूलम ऐसा बोलना सेंसिबल नहीं होगा, क्योंकि लंबी वायर है तो चार्ज भी तो इनफिनिट हो जाएगा, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर। इसके लिए क्या यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, ओके, एंड यहाँ पे पॉइंट है पी जिसकी दूरी यहाँ से स्मॉल आर है, ठीक है। हमें हमसे पूछा गया पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो जो एंट्रेंस वाली क्लास हम लोग किए थे ना उसमें मैंने बताया भी था कि यहाँ पे पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, वो उसके लिए थोड़ा मेथड कॉम्प्लेक्स था, इंटीग्रेशन सब था, लेकिन उसका अगर हमको ये शॉर्टकट देखना होना बाय यूजिंग गॉस थ्योरम तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस होगा ना वो एक सिलेंडर होगा, एक सिलेंडर इस तरह से,
ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। गॉसियन सरफेस के यहाँ पे सिलेंडर, देखो गॉसियन सरफेस के बारे में मैंने फिर से बोला था कि कुछ खास बातें बताई थी मैंने कि वो इमेजिनरी होता है, वो पॉइंट वो क्या क्या कहते हैं सिमेट्रिकल होना चाहिए, उसके एक सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री या 90 डिग्री होना चाहिए, और चौथा एक पॉइंट मैंने और बताया था गॉसियन सरफेस के लिए कि वो उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालना है तो मैंने गॉसियन सरफेस ऐसा बनाया कि वो पी से पास करे। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो गॉसियन सरफेस पे मिलता है, और हमारा पॉइंट तो गॉसियन सरफेस पे होता है, तो हमको इनडायरेक्टली उस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। क्लियर, चार बातें गॉसियन सरफेस की नहीं भूलनी है, क्या क्या है शॉर्ट पे चाहो तो लिख लो, एक तो इमेजिनरी, दूसरा सिमेट्रिकल, ठीक है, तीसरा ई वेक्टर 0 डिग्री और 90 डिग्री विथ सरफेस, ठीक है, और चौथा शुड पास गॉसियन सरफेस शुड पास थ्रू पॉइंट एट विच यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये चार पॉइंट है जो तुमको याद होने चाहिए गॉसियन सरफेस के बारे में। अच्छा, हमने पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से स्टेप वाइज। पहला हियर क्या क्या स्टेप है, देखो गॉसियन पहले था, क्या पहला स्टेप था, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो और डिस्क्राइब करो। तो मैंने यह डिस्क्राइब ड्रॉ कर दिया, डिस्क्राइब कर रहा हूं, हियर गॉसियन सरफेस इज अ सिलेंडर लाइन चार्ज एज इट्स एक्सिस। सिलेंडर है और ये जो लाइन चार्ज जो है ना, ठीक है, यही इस सिलेंडर की क्या है, एक्सिस है, देख सकते हो जो पीछे पास कर। स्टेप नंबर टू क्या था कि स्पेसिफाई एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। यहां पर देखो ये जो लाइन चार्ज है ना, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, ऐसा जाता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से देखे तो ऐसा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर तुम देखो ना ध्यान से, देखो मैं तुमको अलग से फिगर बनाकर दिखाता हूं कि ये मान लो लाइन चार्ज है, ठीक है, बहुत लंबा है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां पे रखा ना आपके चार्ज को तो ऐसे भागेगा, यहां रखा 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 तो ऐसे भागेगा, और यहां रखा तो ऐसे भागेगा, ठीक है। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक पता है लाइन चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जैसे तुम्हारा घर पे हुआ था ना बच्चों के लिए जो बॉटल साफ करने वाला ब्रश होता है, ठीक है, वो कभी देखा है बच्चों, वो उसके ब्रिसल्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं व्हाइट कलर के ब्रिसल्स ऐसे निकले होते हैं, ठीक है, ऐसे निकले होते हैं ब्रिसल्स उसके, जो बच्चों के बॉटल साफ करने वाला जो ब्रश होता है, ठीक जैसे उसके ब्रिसल्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके बाहर निकलता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ठीक है, ये किस तरह से उस ब्रिसल्स की तरह, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंपल बना दूं, तो मैं ये तुम्हें बोल सकता हूं कि ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, मतलब इस कर्व सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एंगल बनाएगा 0 डिग्री, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एंगल कितना हो गया दोनों एक ही डायरेक्शन में 0 डिग्री। क्लियर, अगर ऐसे लेते हैं तो एरिया वेक्टर भी कैसा जाएगा, एरिया वेक्टर जाएगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगा बाहर की तरफ, फिर से एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो समझना इस चीज को कि हम अगर ऊपर से देखें तो सिलेंडर का सरफेस आपको ऐसा दिखेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, हम जो कर्व पार्ट हमको दिखेगा ना, ठीक है, वो ऐसा दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है कर्व के साथ, ऐसा जा रहा है, और हर एक के साथ ये जो एरिया वेक्टर जो होगा इस सिलेंडर का वो भी ऐसा जाएगा,
एरिया वेक्टर भी ऐसा जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री। और अगर तुम ऊपर का प्लेन सरफेस देखो ना ध्यान से, ये प्लेन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है और प्लेन सरफेस का 90 ऐसे जाएगा एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा गया एंड प्लेन सरफेस के साथ एरिया वेक्टर ऐसा गया, ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द प्लेन सरफेस, ये ऐसा है। तो ये एरिया वेक्टर होगा और ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये ऐसा जाएगा, देखो यहाँ पे कितना एंगल है, ऊपर के साथ 90 डिग्री है, कर्व के साथ 0 डिग्री है, और नीचे प्लेन के साथ भी क्या होगा, प्लेन का भी एरिया वेक्टर कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा इसके लिए, ऐसा जाएगा। यहाँ पे भी एंगल कितना 90 डिग्री है, ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है कर्व के साथ 0 डिग्री और प्लेन के साथ कितना, प्लेन के साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री। और तुमको मैंने बताया भी था ई वेक्टर शुड बी 0 90। देखो तो हमने ऐसा सरफेस ही लिया था, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम क्यूब स्फीयर नहीं ले सकते हो, लोगे ना तो जो हमारा गॉसियन सरफेस का कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हम लोग हमेशा स्मार्टली चूज करते हैं और तुमको वो रट ही जाना है कि इसके लिए सिलेंडर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो मैंने बताया तुमको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है साफ साफ। क्या देखो पॉइंट हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ दोनों के लिए लिखना होता अलग अलग, दोनों के अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। हमेशा सिलेंडर नहीं होता है, पॉइंट चार्ज के लिए वो स्फीयर होता है, ठीक है। स्फेरिकल चार्ज के लिए वो स्फीयर होता है, ठीक है। स्फीयर या सिलेंडर दोनों में से कोई एक हम लोग लेते हैं अपने सिलेबस, ठीक है। स्फीयर होता है तो सिलेंडर होता है, यहाँ पे लिखते हैं ई वेक्टर ड्यू टू लाइन चार्ज इज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड मैंने बताया था अभी, ये ऐसे जाता है, ठीक है, बॉर्डर साफ करने वाले ब्रश की तरह फुल स्टॉप। आगे ई वेक्टर मेक 0 डिग्री विथ कर्व सरफेस एंड 90 डिग्री विथ टॉप एंड बॉटम प्लेन सरफेस। जब बोर्ड एग्जाम दोगे ना तुमको इतना वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि तुमको फुल मार्क्स आ सके। हालांकि अगर यही सवाल अगर एंट्रेंस में आ जाए ना, मैं तो इतना कहानी लिखू ही नहीं, वहां पे तो मैं 2 स्टेप में करके नक्की करूँ, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में हमको पूरा लिखना होता है एक स्टेप, ठीक है। तो देखो स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे कर क्या रहे हम लोग, यहाँ पे मैं छोटा सा टॉपिक भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, टू कैलकुलेट, टॉपिक क्या है, टू कैलकुलेट ई वेक्टर एट डिस्टेंस आर, ठीक है। यहाँ पे आर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग वायर, ड्यू टू इनफिनिट चार्ज लॉन्ग वायर, ठीक है। जो लिखा था ना मैंने यहाँ पे ये वाला, ड्यू टू लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू लॉन्ग वायर एट डिस्टेंस आर, ये या तुम यही चीज कॉपी कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड टू लॉन्ग वायर ड्यू टू चार्ज लॉन्ग वायर एट डिस्टेंस आर, ये
आगे लिखते हम लोग, सेकेंड स्टेप क्या होगा कि कैलकुलेट चार्ज एनक्लोज्ड, याद करो सेकेंड स्टेप क्या था, क्या था यहाँ पर सेकेंड स्टेप, चार्ज कैलकुलेट ईडीएस, ठीक है, कैलकुलेट चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अगर अगर आप ईडीएस निकाले तो याद करो ये क्लोज इंटीग्रेशन है, मैंने बोला भी था कि अगर क्लोज इंटीग्रेशन होता है तो उसको हम लोग ब्रेक करते हैं तीन पार्ट में। यहाँ पे तीन सरफेस है ना, कर्व्ड, टॉप प्लेन सरफेस, बॉटम प्लेन सरफेस, तो इसको तीन पार्ट में ब्रेक करो, एक दो तीन, कॉपी पे सब लिखा था मैंने। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ई डॉट डी एस, यहां लिखेंगे ई डॉट डी एस, यहां लिखेंगे ई डॉट डी एस, ठीक है। एक पार्ट कौन सा कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा कौन सा टॉप सरफेस एरिया, और लास्ट कौन सा बॉटम सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ में क्या ले सकता हूं ई, अब देखो यहां तो ई तो शब्द का कांस्टेंट है, ई इंटू डी एस, पहले यहाँ पे एंगल कितना जीरो डिग्री है, ई डी एस कॉस जीरो डिग्री प्लस ये कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे ई डी एस कॉस 90, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना 90 डिग्री है, तो ये कौन सा है बॉटम सरफेस एरिया, ये टॉप सरफेस एरिया, और ये क्या हो जाएगा ई डी एस, ये हो जाएगा बॉटम सरफेस एरिया, यहाँ पे भी cos 90, तो cos 90 तो जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है, ये दोनों तो जीरो होगा, बचा खाली ये वाला पार्ट का, ठीक है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, इसको मैं ले सकता हूं सेकेंड स्टेप कंटिन्यूड इक्वल टू E को बाहर निकालता हूं, बिकॉज E तो कांस्टेंट होगा, मैंने बोला कि सरफेस ही सिमेट्रिक चूज किया जाता है ताकि E कांस्टेंट रहे, तो E को बाहर निकाल देंगे, cos 0 1 हो जाता है, और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा E into 2 pi r, ये r है ना, into length of the cylinder one leg back लिए l, हालांकि l बाद में कट जाएगा, ठीक है, तो this is E into 2 pi r, ये सेकंड स्टेप हो गया, इसको सबको फटाफट नोट कर जाओ। सबको नोट कर जाओ। चारों स्टेप याद रखने हैं और स्टेप के अकॉर्डिंग लिखोगे ना तो कहीं कोई मार्क्स कटने की चांस नहीं है। आगे देखिए, अब थर्ड स्टेप ये मैं इरेज कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, ठीक है, पूरा ऐसे दूसरा पेज लूंगा ना, दूसरा उसमें लिंक बिठाने में मजा नहीं आता।
अब तीसरा स्टेप कैलकुलेट चार्ज एनक्लोज, ठीक है, हमें चार्ज एनक्लोज निकालना है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं चार्ज एनक्लोज इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पे चार्ज डेंसिटी कितनी लैम्डा है ना, और लेंथ कितनी यहां पे एल है, तो हो जाएगा लैम्डा इनटू एल, इसे चार्ज है। एंड फोर्थ स्टेप यूज गॉस थ्योरम, तो ईडीएस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। What is EDS? अभी हमने निकाला E into 2 pi R, अभी निकाला Q, what is charge enclosed? That is the lambda by epsilon naught, ठीक है, ये क्या था, this was Gauss theorem ना, ये LL बढ़ गया, क्या बचा E equals to हो जाएगा lambda upon 2 pi epsilon naught R, ठीक है। और ये देखा जाएगा ध्यान से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, जिधर रेडियस जा रहा है ना, रेडियस रेडियस ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का डायरेक्शन सेम है, तो मैं चाहूँ ना उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में ई कैप और यहाँ पे आर कैप। देखो यहाँ पे मैंने आर वेक्टर पुट नहीं किया है, मैंने कैप पुट किया दिखाने के लिए कि देखो जो आर का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, इसको सबको नोट कर दो। सर ये लास्ट वाला नहीं समझ आया, आपने आर के पुट किया हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वायर की वजह से वो ऐसे जाता है, एक पॉइंट चार्ज को रखेंगे चार्ज ऐसे भागेगा, रेडियस भी कैसे गया, रेडियस भी ऐसे जा रहा ना, दिस इज आर वेक्टर, आर क्या मतलब रेडियस का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और रेडियस का डायरेक्शन सेम होता है, तो हमने इसे लिख दिया ई वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे कैप दिखा दिया दिखाने के लिए कि आर वेक्टर का जो रेडियस का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है सेम, और कुछ नहीं। सर नीचे वो आर स्क्वायर नहीं होती कि आर तो पहले अगर आर स्क्वायर पुट करते नहीं, आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, अगर तुमने यहाँ पे आर वेक्टर पुट किया होता तो मैं नीचे में स्क्वायर पुट कर, अगर ये ऐसा लिखा जाए, इसको लिखने का एक और तरीका ये है, ई वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा आर वेक्टर बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो बाकी तुम ये याद करो ज्यादा अच्छा, किताबों में यही लिखा था। तो एग्जाम में और क्या इसमें आता सुना जहां से, ठीक है ये तो आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है, ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, और इस चीज इसमें क्या होता है ये क्या कैसी वायर है, ये लॉन्ग है और यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, चार्ज भी कैसा होता है यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब हर एक सेंटीमीटर पे या हर एक मीटर पे जो चार्ज है वो बराबर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लैम्डा कूलम पर मीटर है, मतलब एक मीटर में लैम्डा चार्ज, फिर दूसरे मीटर में लैम्डा चार्ज, तीसरे मीटर में लैम्डा चार्ज, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो दिस इज अ लॉन्ग वायर एंड अ यूनिफॉर्मली चार्ज। अब इसमें पूछा जाएगा हमसे कि इलेक्ट्रिक, याद रखना अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो तुम इस चीज को एरो को कैप को भूल जाओ, ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, इसकी वैल्यू वन है, याद रखना ये आर नहीं है ये वन है, खाली डायरेक्शन दिखाने के लिए। तुम यहां से क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, देखो इलेक्ट्रिक जितना हम दूर जाएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर तुम कभी इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, इसका ग्राफ जो होता है ना वो कुछ ऐसा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, ठीक है, ये जो इनवर्स का ग्राफ होता है ना ऐसा, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला का ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है, ना तो यहाँ पे टच करवाना ना तो यहाँ पे टच करवाना, बिकॉज अगर आर को जीरो लेंगे तो ई हो जाएगा इन्फिनिटी, देखो आर को जीरो लो तो ई हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ऊपर टच करा नहीं सकते, अगर हम लोग लेते हैं ई को जीरो लेंगे, ठीक है, तो आर हो जाएगा इन्फिनिटी,
तो नीचे टच करा नहीं सकते। और ये ऐसा जो आता है ना शेप, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वन मार्क का एग्जाम में आ सकता है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर। ठीक है, ये ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। और जो बच्चे एंट्रेंस की वीडियो देखे हैं या एंट्रेंस का पढ़े थे, वो ये चीज देखे भी थे कि हम लोग ने ये फॉर्मूला पहले भी डिराइव किया हुआ है ना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वो क्या कहते हैं, हमने इसके लिए फाइनाइट वायर से लेकर के इंटीग्रेशन करके फिर लॉन्ग वायर के लिए भी देखा। तो आंसर हमारा 200 सर। हां बोलो। ग्राफ में 1/r आएगा ना? हां, तो 1/r तो नहीं, ये r के प्रोपोर्शनल होता है, ये ऐसे रहता है। देखो 1/r नहीं, यहां पे r है। अगर 1/r लिख देना तब तो ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तब तो फिर ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा लिखोगे कंफ्यूजिंग होने का, ये सही है। अगर 1 mark का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में कि व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस आर, तो लिख क्या होगा, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज अ स्टैंडर्ड ग्राफ। हर केस पे हमको स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं मिलता है। ठीक है, ये अगर मान लो 1/r² था जैसे, ठीक है, 1/r² होता है पॉइंट चार्ज में, 1/r³ था डायपोल में, ये सब के ग्राफ को हम हाइपरबोला नहीं बोलते। उनकी शेप कुछ ऐसी लगती है, लेकिन हाइपरबोला सिर्फ 1/r में होता है। तुमने शायद पढ़ा भी होगा इसमें, ये वाला तुम लोगों ने पढ़ा ना, बॉयल्स लॉ, पीवी कांस्टेंट, तो प्रेशर वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, उसका भी याद करो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ग्राफ ऐसा था, याद है ना? Yes, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम ग्राफ यहाँ पे कॉपी हो रहा है। इसको भी हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। सर अगर 1/r² या 1/r³ तो वो फिर हाइपरबोला बोले कि पैराबोला? उसका कोई शेप, उसका कोई नाम नहीं होता। देखो, 3 स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ठीक है, और हर केस में तुमको यही स्टैंडर्ड मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है 1/r² में, 1/r³ में, उसको कोई नाम नहीं होता। ठीक है, हाँ वापस कनेक्ट कर जाना। ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट कर लेना। ठीक है, एक डेरिवेशन और करवा दूंगा तो क्या लिंक सही बना रहेगा। बीच पड़ी तो आज और दूंगा मैं।